हेलो दोस्तों, अगर आप पीएम सम्मान किसान निधि के लाभार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यह टॉपिक आपके लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर यह टॉपिक आप मिस कर देते हैं तो पीएम सम्मान किसान निधि की 11वीं किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पीएम सम्मान किसान निधि की EKYC को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साइट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है जिसकी वजह से साइट अच्छे से काम नहीं कर रही है। लेकिन पीएम सम्मान किसान निधि की EKYC जिन लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर ली है, उनका डेटा पीएम सम्मान किसान निधि में आधार के बेस पर कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीएम सम्मान किसान निधि का रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी अकाउंट नंबर दिया था, अब तक जो भी पीएम सम्मान किसान निधि किस्त आती थी उसी अकाउंट में आती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो कंप्लीट डेटा है वह अब आधार बेस पर कर दिया गया है। इसकी वजह से अब आपके जो आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है उसी में पीएम सम्मान किसान निधि की अगली किस्त आएगी। अगर आपके आधार से कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको पीएम सम्मान किसान निधि की अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, और आपकी जो आने वाली किस्त है वह होल्ड हो जाएगी और आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके आधार से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट प्रोसेस करके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, इसको चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियली पेज पर आ जाएंगे, या फिर अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर की किसी भी ब्राउजर में आपको टाइप करना है UIDIA। इसको जैसे टाइप करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए हिंदी मोड वाला कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर माई आधार सेक्शन में आपको आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा आधार सेवाओं का लाभ उठाएं। यहाँ पर आपको नीचे चले आना, इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन आधार बैंक लिंकिंग स्थिति की जांच करें, और इंग्लिश बोर्ड में अगर आप रहें तो इस तरह से माई आधार सेक्शन में आप आएंगे, आधार सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। यहाँ पर आपको यह वेबसाइट आपके मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप दोनों पर सेम तरह से वर्क करती है, इसलिए आप मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप किसी भी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपल साइज स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है या फिर वर्चुअल ID, दोनों में से एक को आप डाल सकते हैं। आधार नंबर 12 अंकों का होता है और वर्चुअल ID 16 नंबर का होता है। यहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक को फिल कर देना है। इस नीचे बॉक्स में कैप्चा को फिल करके आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। ये देखिए सेंड OTP पर बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP जाएगी, 6 अंक का हो सकता है और 8 अंक का हो सकता है। OTP को फिल करने के बाद आपके सामने सबमिट बटन मिलेगी। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, जहाँ पर लिखा हुआ चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस कंग्रेचुलेशंस यो आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स दी गई है, आपका आधार नंबर दिया गया है, बैंक लिंकिंग स्टेटस में एक्टिव दिखा गया है, और बैंक लिंकिंग डेट भी आपका दे दिया गया, और यहाँ पर बैंक का नाम दिया गया है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से चेक कर लेंगे, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर देख लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपका अकाउंट तो खुल जाता है लेकिन उसमें आधार की EKYC रुकी रहती है, या फिर आधार बेस्ड KYC नहीं कम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से पीएम सम्मान किसान निधि का जो भी किस्त है आपके अकाउंट में नहीं आ पाती है ना कमाल का ट्रिक। इस ट्रिक को फॉलो करिए और अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने बैंक लिंकिंग स्टेटस को ट्रैक करिए, और कहीं कोई कमी हो तो अपने बैंक में जाके अपने EKYC को कंप्लीट करें, ताकि पीएम सम्मान किसान निधि की अगली किस्त आपके अकाउंट में आ जाए।